जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ वो भी सुनता है। मीना, क्या वो तुम हो? मीना, मुझे छोड़ो, क्या कर रहे हो? मीना कहाँ है? वो यहाँ नहीं थी, ये तो पत्ते हैं जो तुम्हारे रोने की नकल करते हैं, जिससे तुम मेरे जाल में फंस गए। जो चाहिए तुम वो पालो, पाओ अपनी मंजिल तुम, आसमान में तुम उड़ जाओ, चलो काबिल बन जाओ। तुम हो हमारे लीडर, तुम्हें फॉलो करेंगे, रास्ता दिखाओ हमको, हम पीछे आएंगे। जो जीतना चाहो तुम तो, जरूरी नहीं है शक्ति, बस बुद्धि होनी चाहिए, दिल लाएगी जीत यही। तुम हो हमारे लीडर, तुम्हें फॉलो करेंगे, रास्ता दिखाओ हमको, हम पीछे आएंगे। एक आरामदायक बिस्तर बनाने के लिए मैं जितने चाहे पंख इकट्ठा कर सकती हूँ, और मुझे बहुत सारे पंखों की जरूरत है। मेरे पंख बिल्कुल नहीं। ये तुम क्या कर रहे हो? ओ! पकड़ो उसे काम चोर कहेंगे। तुमने तो मेरे बिस्तर को लगभग बर्बाद ही कर दिया था। ओह, मेरी सीटी कहाँ गई? ढूंढो उसे। हाँ? तुम सब किसी काम के नहीं। मुझे लूटा गया, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। उस सीटी चोर को पकड़ कर लाओ, उसे सजा मिलेगी। उसे 1 महीने तक मेरे सारे काम करने पड़ेंगे, और अगर नहीं मिला तो वो काम तुम सब करोगे, समझ गए? वो रही वहाँ, पकड़ो उसे। बचाओ, बचाओ, बंदर मेरे पीछे पड़े हैं। क्या तुमने ऐसा कुछ किया जिससे वो चिढ़ जाए? नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे ये दे दो, ये माशा की है। तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? बचाओ! तुम पोनिया को यहाँ से दूर ले जाओ, तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। माशा, ये सब क्या हो रहा है? बाकी सब कहाँ गए? मेरी प्रजा चोर को ढूंढने गई है। तुम पोनिया को उतना ही जानती हो जितना कि मैं। वो चोर नहीं है, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। उसने एक ऐसी चीज चुराई है जिसकी मुझे सख्त जरूरत थी, और महान और ताकतवर माशा की चीज चुराने वाले को सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। देखो, हमें इसका कोई ना कोई हल निकालना ही होगा। तुम्हें तुम्हारी चीज मिल जाएगी और हम ये लड़ाई भूल जाएंगे। चोर को सजा जरूर मिलेगी। बचाओ! क्या वहाँ कोई है? उनके निशान ढूंढो, देखते रहो। ए, टबाकी,
क्या तुमने मोगली को यहाँ से जाते हुए देखा है? नहीं तो, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन अगर वो मुझे कहीं मिला तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। देखते रहो। चपाकी, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? नहीं नहीं, बाय। ये क्या है? ये पत्ता मुझे नदी में मिला और इसमें से एक मजेदार आवाज आती है। ये आवाज तो वाकई किसी मोर की आवाज जैसी है। बेशक और भी बेहतर होता अगर तुम निकाल पाते ऐसी आवाज जैसे कि। चुप हो जाओ तबाकी। इस तरह। उप्स, सॉरी। बचाओ, क्या वहां कोई है? उम्मीद ही छोड़ दी थी। माशा को मेरे पंख निकालने हैं। देखो, मुझे अपनी बात समझाने दो। गिरे हुए पंखों को उठाना अलग बात है माशा, लेकिन फूला को पकड़कर उसके पंख निकालना ये बहुत गलत बात है। शायद मैंने थोड़ी ज्यादा गड़बड़ कर दी, पर हम जानवर हैं, हम कोई हल तो ढूंढ ही सकते हैं। शायद हम इस मामले को भूल सकते हैं अगर तुम वादा करो कि ऐसा दोबारा नहीं होगा और माशा तुम चोरी के इल्जाम को वापस ले लो। ठीक है। बढ़िया, अब चलो चलकर तुम्हारी प्रजा को कहते हैं कि पोन्या की तलाश बंद करे और समझौता कर ले। अदला बदली के बारे में क्या कहना है? पोनिया को आजाद कर दो। अगर मैं खाली हाथ लौटा तो माशा मुझसे अपना सारा काम करवाएगी। मुझे पोनिया और उसकी सीटी माशा के सामने लेकर जाना ही है। मैं चोर नहीं हूँ, मुझे ये नदी में पड़ी मिली। हम तुम्हें सीटी दे देंगे लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। पर अब वो मेरे पास नहीं है, तबाकी की वजह से खो गई। हमें वापस जाकर उसे ढूंढना होगा। मुझे पता है वो कहाँ होगी। मेरे वापस आने तक संभाल सकते हो, जब तक ये हमारे पास है वो पोनिया को कुछ नहीं करेंगे। इस सीटी की मदद से आप जितने चाहे मोरों को अपने पास बुला सकते हैं। आपको लगेगा जैसे खाना खुद चलकर आपके पास आ गया हो। पहली बार तुम्हारा आइडिया बेवकूफाना नहीं लग रहा। ये काम नहीं करेगा। मैं सबको चेतावनी दे दूंगा, फिर कोई भी नहीं आएगा। लगता है तुम फंस गए हो इंसान के बच्चे। अब तुम किसी को भी इस सीटी के बारे में नहीं बता पाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अलावा शेर खान इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसे कोमलता से बजाने की जरूरत है जो शेर खान नहीं कर सकता है। वाकई बड़ी कमजोर आवाज थी। वो सीटी, चलो। अब जब मैंने तुम्हें गलत साबित कर दिया है, मैं अपना पूरा ध्यान तुम पर दे सकता हूँ इंसान के बच्चे। एक छोटी सी बात भूल गए। आओ, 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 लग रही है, छोड़ दो, छोड़ दो। अरे, अरे, मेरे बाल। उन्हें सबक मिल गया, हम सबसे ताकतवर हैं। मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि पोनिया बिल्कुल ठीक होगी। सब कुछ ठीक है।
सीटी, क्या मेरी सीटी तुम्हारे पास है? मैं इसे खतरनाक शेर खान के जबड़ों से छीन कर खुद को खतरे में डालकर सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ। मुंह बंद रखो, ये मुझे दो। जब सबको इसके बारे में पता चल जाएगा तुम्हारी ये चाल काम नहीं करेगी। वो देखा जाएगा, ये मेरी है और मुझे चाहिए। ओ, बहुत बुरा हुआ, शेर खान के साथ लड़ाई के वक्त ये खराब हो गई होगी। तूने सच में तुम्हें वो बताया? और नहीं तो क्या, उसने कहा एक बड़ा। मेरा मौना, कितना इंतजार करवाओगी? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आ रहे हैं तो मुझे बताओ, वो राज बताओ। आज मेरा जन्मदिन है, आज मुझसे कुछ मत छुपाना। क्यों नहीं, हम अभी वापस आते हैं, आपका तोहफा लेकर रानी। ओह, बहुत भूख लगी है। चलो कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। कोई ऐसा फल जो मीठा हो, रसीला हो। वाह वाह। नहीं, क्यों ना शहद खाया जाए? अरे नहीं नहीं, क्यों ना सबसे बड़ा और स्वादिष्ट आम खाया जाए। में है। ओह, पेड़ पर और आम भी नहीं बचे। रुक जाओ रंगू, आम चोर कहीं के। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। माशा को ये बहुत अच्छा लगेगा। हकदार है वो इसकी, साल भर उसने मेरे खाने का इंतजाम जो किया। बोलो इससे कौन लेकर जाएगा? मैं। नहीं, ये काम मैं करूंगी। शांत हो जाओ, तुम दोनों इससे लेकर जाओगी। रंगू, मैं कहता हूँ रुक जाओ। प्यारी माशा, इस साल तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा उतना ही खास है जितने की तुम। बक बंद कर, तोहफा दे दे जल्दी। मुझे दे। अरे खींच रही है तू, इसे नीचे मत गिरा देना, समझी तू? बस बंद करो ये झगड़ा मेरा। चलो यहाँ आकर इस नारियल को खोलो। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। और मैं भी नहीं थकने वाला बल्लू। जन्मदिन मुबारक हो माशा। चमकीली चीज लगी हुई थी, क्या थी वो? ओह, उस रंगू ने मेरा आम खराब कर दिया। ओ, भाड़ में गया तुम्हारा आम, वो मेरा तोहफा उठा कर ले गया। खामोश। वो हरी मणि मेरे खजाने की सबसे अनमोल चीज थी, मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। इंसानी बच्चे, सूरज ढलने से पहले मुझे मेरी मणि चाहिए। तब तक माशा का जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। और बलू, तुम यहीं रुकोगे। अगर वक्त पर मणि वापस नहीं आई तो हश्र क्या होगा ये खुद सोच लो। घबराओ मत बलू, मैं जल्द से जल्द वापस लौटूंगा। रंगू, बात तो सुनो, तुम्हारे पास माशा का जन्मदिन का तोहफा है। किसे उल्लू बना रहे हो? भला आम किसी का तोहफा कैसे हो सकता है? थोड़ा सो लिया जाए।
मुझे ये केले का पत्ता क्यों पकड़ा दिया? तुमने मेरे जन्मदिन का प्रोग्राम खराब किया, अब तुम्हारी सजा है मुझे दिन भर हवा देना। पर मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए चाहिए। पहले मणि चाहिए, फिर खाना मिलेगा, समझ में आया? सुनो जरा, कुछ फल लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। और उसके बाद जंगल से और फल लेकर आना, ताकि रात का जश्न और मजेदार हो जाए। हेलो मोगली, चलो मिलकर कुछ खेले। अरे नहीं डाजी, मुझे भी रंगों को ढूंढना है। मतलब छुपन छुपाई खेल रहे हो? मैं भी उसे ढूंढती हूँ, चलो मेरे पीछे आओ जल्दी। तुम अभी नहीं खा सकते। हाँ, एक बार मेरी मणि मिल जाए उसके बाद मैं सोचूंगी। मुझे वो दिख गया। वो रहा। ये सबको क्या हो गया? सब के सब मेरे आम के पीछे पड़े हुए हैं। रुको, रुको ना। मैं नहीं रुकूंगा, मुझे एक जरूरी काम है। माफ करना मोगली, मैं उसे रोक नहीं पाई। नो टेंशन, मेरे पास एक आइडिया है। वो गुफा देख रही हो? माशा, क्या है? मीरा और मोना थक गए हैं, क्यों ना मैं उनकी मदद कर दूं? हाँ हाँ, वैसे कर सकते हो। पर जरूरत नहीं है। मेरे पीछे क्यों पड़ी है तू डार्जी? पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हें एक जगह बताऊँ जहाँ तुम ये आम शांति से खा सको। सच कह रही हो, तुम्हें मेरा आम नहीं चाहिए? हाँ, एक खामोश गुफा है, वहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। अब हाथ आए हो? छोड़ छोड़ दे जुल्मी, ये मेरा आम है, छोड़ छोड़। मुझे इस पर लगाम मणि चाहिए बस। रंगू, नीचे देखो। अरे नहीं, अब मिल गई तुम्हें शांति, हमारी लड़ाई में काम मुंह मार गया। अरे नहीं, सूरज ढल रहा है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। का उठो का, तुम सो नहीं सकते। किसने बोला, मैं तो पहले ही सो चुका हूँ, दफा हो जाओ। थोड़ा ऊपर। हाँ, क्या बात है। सूरज ढलने वाला है, मेरी मणि भी आने वाली होगी। आओ जी, क्या कर रहे हो, आराम से। पक्का मोगली तुम ये करना ही चाहते हो? एक बार और मदद करो डार्सी, तुम्हें काको उठाना होगा और उसे पेड़ से दूर ले जाना होगा, बस। ओ, ये काम है, ठीक है, करना तो पड़ेगा ही। ओ डार्सी, तू तो गई आज काम से। शुक्रिया का, वैसे भी फल तुम्हें हजम नहीं होते। पर ये वाला टेस्टी लग रहा था। समय पर मणि नहीं आई तो क्यों ना अब तुम्हें सजा दी जाए। रुक जाओ, मणि आ गई, वो भी सही सलामत। मानना पड़ेगा, एकदम सही वक्त पर आए हो मोगली। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा भी शुक्रिया डार्जी, मोगली की मदद करने के लिए। अब तो सब ठीक है ना बलू?
नहीं मोगली, पेट में अब भी चूहे दौड़ रहे हैं। मेरे भी। फलों की चोरी कर रहे हो? दरअसल वो हम क्या कहा, चोरी हमने नहीं की, वो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं बहुत खुश हूँ। जितना खाना है खाओ, आज मेरा जन्मदिन है। देखो बलू, भैंसों का झुंड दूसरी जगह जा रहा है। अब अगली बसंत तक ये नजर नहीं आएंगे। तुमने खाने का इंतजाम तो किया है ना, ताकि कोई कमी ना रह जाए। इस बार बहुत भैंसे आए थे, मुझे नहीं लगता कोई कमी होगी। बघीरा है तो नो टेंशन। पर हमें उस खाने को देर तक चलाना है मोगली। अरे अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, इसलिए कभी कभी ज्यादा खा लेता हूँ। बात तो सही है मोगली, पर हमें अपने खास खाने को एक ही बार में खत्म नहीं करना चाहिए। सही कहा बलू। अब जरा मैं भी तो देखूं तुमने कितना खाने का इंतजाम किया है। ये शिकार करना भी कितना मुश्किल काम है। बिना शिकार की झंझट में पड़े खाने का इंतजाम करना होगा टबाकी, वरना भूख के मारे तेरी जान चली जाएगी। खाने की खुशबू। अंदर आओ, खुद ही देख लो बलू। मैंने कहा था ना, ढेर सारा खाने का इंतजाम किया हुआ है। हाँ, ये काफी होगा अगर तरीके से खाया जाए तो। हमारे पीछे कोई यहाँ आया था दोस्तों, पर इससे पहले कि कोई हमें देख ले, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बस इसे एक सुरक्षित जगह छुपाना होगा। ये जगह सही है, यही दबा के रखता हूँ। यहाँ छुपाया जाएगा मोगली का खाने का खजाना। दूर हटो बंदरों। इस ठंडी गुफा को अपनी खुफिया जगह बनाने से पहले इन शैतान बंदरों को यहाँ से दफा करना होगा। कौन है? ये तो शैतान है। नहीं, मुझे शैतानों से बहुत डर लगता है। डरपोक बंदर कहीं के। अब छुपाऊंगा यहाँ साल भर का खाना। उठो उठो दोस्तों, कितना सुहाना मौसम है। सही कहा दार्जी, आज सुबह की तो बात ही कुछ और है। उठ जाओ उठ जाओ। बघीरा, नाश्ते का वक्त, अपनी भूख को और नहीं रोका जा रहा, खाने का खजाना खाया जाए। ठीक है बाबा, पहले अच्छे से उठ जाओ, फिर दोनों दोस्त आराम से बैठकर खाएंगे। तुम्हें खाने के सिवाय जिंदगी में कुछ और भी सोचता है क्या? एक शैतान ने तुम्हें आधी रात में भगा दिया? हाँ माशा, वो शैतान जंगल से आया था और आते ही चिल्लाने लगा, दहाड़ने लगा, बहुत बड़ा था वो। ठंडी गुफा शैतानों की जगह नहीं है, हमें उसे दबोचना होगा। दबोचना होगा? हाँ और क्या, ऐसा जाल बिछाएंगे कि शैतान को नानी याद आ जाएगी। कल तो यहाँ बहुत सारा खाना लटका था, आज कहाँ गायब हो गया? एक ही। तुमने इस गुफा से हमारा खाना लिया है कि? अरे मैं क्यों लूंगी,
देखो अगर तुम्हारा खाना चोरी हुआ है तो वो जरूर ठंडी गुफा के उस शैतान ने लिया होगा। वो बहुत बड़ा शैतान था, उसके दांतों से खून टपक रहा था और उसका पंजा पेड़ जितना बड़ा था। ये बच्चों की कहानियाँ कहीं और सुना। यकीन नहीं आता तो मेरे पीछे आओ। आओ अभी दिखाती हूँ। हाँ यही उस शैतान का अड्डा है। इतने दावे से कैसे कह सकते हो? उस शैतान का बदबूदार खाना यही है। ठीक है तो हम उस शैतान को आज यही पकड़ लेंगे। आज वो शैतान मुझसे बचकर नहीं जा पाएगा। लगता है एक बार में कुछ ज्यादा ही उठा ले आया मैं। पर कोई बात नहीं, एक बार अपने अड्डे तक पहुंच जाओ तो आराम ही आराम है। ओ, उन बंदरों को मेरे अड्डे के बारे में पता चल गया। दूर दूर चल, मैं ठीक रहेंगी। दूर, अपना खाना छुपाने के लिए मुझे कोई और जगह ढूंढनी होगी। वो शैतान यहीं से आगे बढ़ा था, मैंने देखा था। घबराना मत की, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दूर रहो मोगली, इस शैतान को मैंने पकड़ा है। क्या शैतान? हाँ, इसी शैतान ने कल रात हमारे बंदरों को डराकर भगा दिया था। एक एक नन्ही सी जान है, वो क्या तुम जैसे बंदरों को डराकर भगाएगी? दिन में नन्ही सी जान और रात में बनती है शैतान। हम बंदरों की बात का यकीन करो, हमें शैतानों के बारे में सब पता है। दूर चलो मक्खियों, ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं चुराया। वैसे तुम्हें इन शैतानों के बारे में इतना कैसे पता है माशा? ना समझ इंसानी बच्चे, हम अपनी जान की बाजी लगा कर उन्हें ढूंढते हैं। अरे हम तो शैतान को सूंघ कर पहचान लें। चलो अपने दूसरे फंदे भी देख कर आते हैं। दोस्तों इधर आओ, यहाँ से आगे के रास्ते पर खुशबू आ रही है, खाने की खुशबू आ रही है, हमारे खाने की। ओए वक्कियो, खून चूस लूंगा तुम्हारा। दूर चल। अरे वाह, तो तू मेरे लिए नाश्ता लाया है टबाक। नहीं शेर खान, ये तो गंदा खाना है। देखो ना इसमें कितनी मक्खियाँ लगी हुई हैं। ये मक्खियाँ तो तड़के का काम करती है। रुक जा तबाकी, मैं भी भूखा हूँ। तूने खाया मैंने खाया, एक ही बात है, जा फूट ले। अरे नहीं, सारी की सारी मेहनत इस खड़ूस शेर खान ने खराब कर दी। खाना कहाँ छुपाया है? क्या कहाँ छुपाया है बगीरा? ज्यादा होशियार मत बन टबाकी, हमें पता है तू क्या कर रहा है, चल बता। तुम मेरी फैमिली के बारे में बात कर रहे हो क्या? गीदड़ के बच्चे, तूने हमारा खाना चुराया है, बोल कहाँ रखा है? मेरे पास नहीं है, शेर खान ने मुझसे वो छीन लिया। मतलब समझे दोस्तों, हमें दो बार लूट लिया गया है। आज के बाद हमारे खाने की चोरी करने की कोशिश की तो कच्चा चबा जाऊंगा, वो भी नमक के साथ। बहुत भूख लगी है, चलो जो बचा उसे तो खा ले बघीरा। हाँ, क्यों नहीं मोगली, पर सबसे पहले मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया। वो सब बातें छोड़ो बघीरा, अब हमें जल्दी से कुछ खाना चाहिए। अरे भाग का रहे हो, हमने हर जगह शैतान पकड़ने के फंदे लगाए हैं। मुझे छोड़कर मत जाओ। इस बार हम अपने खाने के खजाने को अच्छे से छिपा देंगे। मैं नहीं चाहता उस तबाकी जैसे भुक्कड़ जानवरों की वजह से हमारी मेहनत कोई और चट कर जाए। बात तो सही है मोगली, हर जानवर को खुद मेहनत करनी चाहिए। काश ये बात शेर खान और तबाकी समझ पाते।
थोड़ा सा दे दो शेर खान, एक टुकड़ा ही सही प्लीज। खाने के वक्त डोंट डिस्टर्ब गीदड़। हाँ ठीक है, खा लो बाबा खा लो। कुछ तो खा लूं।